दोस्तों, एंटरटेनमेंट के छोटे प्लेटफॉर्म यानी कि टीवी इंडस्ट्री में हमें ढेर सारी टैलेंटेड अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं। चाहे फिर बात एक यंगेस्ट एक्ट्रेस की हो या फिर 50 की उम्र पार करने वाली बेहतरीन अदाकारा की, जिन्हें जिस भी किरदार में देखा गया उन्होंने उन किरदारों को बखूबी पर्दे पर उतारते हुए दर्शकों से खूब सराहना हासिल की और खुद को एक नई पहचान दिलाई, जिनके आज लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ हस्बैंड और चाइल्ड से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि इनसे बेहद प्यार करते हैं और अपनी फील्ड में खूब सक्सेसफुल हैं। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ और उनके रियल लाइफ हस्बैंड एंड चाइल्ड। नंबर एक, सुरेखा सीकरी। लोकप्रिय धारावाहिक बालिका वधु में दादी सा का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री सुरेखा सीकरी आज छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे का भी एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें इनके हस्बैंड एंड चाइल्ड की, तो इनके पति का नाम हेमंत रेगे था, जिनके साथ इन्होंने करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 1994 में अपना घर बसाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेमंत रेगे आज इस दुनिया में नहीं है, पर ये प्रोफेशन से एक फिल्म आर्टिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी इस फील्ड में खूब कामयाबी हासिल की थी। वही बात की जाए सुरेखा सीकरी के बच्चों की, तो इनका एक इकलौता बेटा है जिनका नाम राहुल सीकरी रखा गया है। बता दें कि राहुल सीकरी आज काफी बड़े हो चुके हैं और आज ये मुंबई के एक थिएटर में आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इन्हें लाइमलाइट में बेहद ही रेयर देखा जाता है। नंबर दो, नीलू वाघेला। सीरियल दिया और बाती हम में भाभू का किरदार निभाकर लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री नीलू वाघेला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ हस्बैंड एंड चाइल्ड की, तो इनके पति का नाम अरविंद वाघेला है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद वाघेला इन्हीं की तरह एक एक्टर हैं जो राजस्थानी फिल्मों के लिए काम करते हैं और आज अपनी इस फील्ड में खूब सक्सेसफुल भी हैं। वही बात करें नीलू वाघेला के बच्चों की, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें बेटा केंजेर और बेटी वंशिका है, जहां इनके बेटे केंजेर फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं इनकी बेटी वंशिका भी अभी काफी छोटी हैं और अपने भाई की तरह अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं, जिन्हें लाइमलाइट में भी बेहद कम ही देखा जाता है। नंबर तीन, उषा नाडकर्णी। पवित्र रिश्ता और मधुबाला जैसे कई मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रही अभिनेत्री उषा नाडकर्णी आज बड़े पर्दे पर भी अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अदाकारा के रियल लाइफ पति और बच्चों के बारे में, तो इन्होंने बिजनेसमैन आनंद नाडकर्णी से अरेंज मैरिज की है, जिनसे इन्हें एक बेटा आयुष है। आपको बता दें कि इनके पति लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं और इसीलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, साथ ही उनकी तस्वीरें भी काफी कम है, पर ये अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, जिसका जिक्र नीलू अपने द्वारा दिए गए इंटरव्यू में अक्सर करती हैं। वही बात करें इनके बेटे आयुष के बारे में, तो ये भी इन्हीं की तरह एक एक्टर हैं, जो इनके साथ बिग बॉस मराठी में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही ये अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं, जो कि एक बार अपनी माँ का सहारा बनते हुए दूसरे एक्टर द्वारा बोले गए अपशब्द का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आए थे। नंबर चार, रूपल पटेल। सीरियल साथ निभाना साथिया की कोकिला मोदी तो आपको जरूर याद होंगी, जिन्होंने अपनी धाकड़ आवाज और सख्त व्यवहार से सीरियल में एक अलग तरह का रंग बिखेरा था। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ हस्बैंड एंड चाइल्ड की, तो इन्होंने काफी सालों पहले राधा कृष्णा दत्ता से शादी रचाई थी, जिनसे आज इन्हें एक बेटा है जिनका नाम हर्ष पटेल है। बता दें कि राधा कृष्णा दत्त प्रोफेशन से इन्हीं की तरह एक टीवी और फिल्म एक्टर हैं, जिन्हें देवों के देव महादेव जैसे सीरियल और अपहरण जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वहीं बात करें इनके बेटे हर्ष पटेल की, तो बता दें कि ये लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं और एक यही वजह है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गूगल पर इनकी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती। नंबर पाँच, रूपाली गांगुली। परवरिश और संजीवनी जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा रही रूपाली गांगुली वर्तमान में चल रहे टीवी शो अनुपमा का भी अहम हिस्सा रही हैं। वहीं बात करें इनके रियल लाइफ पति और बच्चों की, तो इन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अश्विनी के वर्मा को अपना हमसफर चुना और साल 2013 में उनके साथ शादी के बंधन में बंध गयी। वहीं शादी के कुछ सालों बाद दोनों को एक बेटे का आशीर्वाद भी मिल चुका है। आपको बता दें कि इनके पति पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, जो अपने बिजनेस में काफी सफल हैं। वहीं बात करें इनके बेटे के बारे में, तो इनके बेटे का नाम रुद्रांश है, जो कि वर्तमान में महज 3 साल के हैं और अपने माता पिता के साथ अपनी लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हैं, जहां आपने कई बार रूपाली को बेटे के साथ बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, आपको टीवी इंडस्ट्री की इन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से किसके हस्बैंड एंड चाइल्ड सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।